Assalamualaikum. Yet another new vlog. So today is a very good day as usual. और हर रोज की तरह बहुत ही अच्छा दिन चढ़ा हुआ है और बहुत अच्छा मौसम है यहाँ पर सिडनी में. अच्छा, अभी सिडनी में रुकने का दिल नहीं कर रहा बिल्कुल भी, इसलिए मैंने प्रोग्राम बनाया है. अकेला ही हूँ यार, क्या सारा दिन वहाँ पर अपना यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में गुजर जाता है या फिर जो है वो कोई और इस तरह के कामों में गुजर जाता है. तो मैंने प्रोग्राम ये बनाया था कि ठीक है, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है यूनिवर्सिटी का, तो यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में टाइम गुजारना इज़ वेरी मैंडेटरी फॉर मी. बट दिमाग को रिलैक्स रखने के लिए मैं कहीं ना कहीं थोड़ी छोटी मोटी आउटिंग पे चला जाता हूँ. अभी मुझे पता चला है कि कल एक्चुअली ये बात पता चलने से पहले भी मैं प्रोग्राम बना रहा था कि मैं वुलनगोंग जाऊँ, लेकिन अब मुझे जबकि पता चल गया है कि वुलनगोंग में एक अदद लेबनीज बेहतरीन रेस्टोरेंट खुला है, तो मैंने सोचा कि आज जो है वुलनगोंग यहाँ से जाया जाए. वुलनगोंग की यहाँ से 1.5 hours की ड्राइव है फ्रॉम सिडनी, फ्रॉम माई प्लेस. लाइक सिडनी से थोड़ी ज़्यादा भी होगी आगे अंदर सिटी में चले जाएँ तो, लेकिन फ्रॉम माई प्लेस आप 1.5 hours में वुलनगोंग जा सकते हैं. तो अभी मैं जस्ट 3-5 kilometers आउट हुआ हूँ सिडनी से, तो आई एम ड्राइविंग टूवर्ड वुलनगोंग और ऑलमोस्ट 100 kilometers है फ्रॉम सिडनी और इट्स ए बीची टाइप ऑफ रीजनल एरिया नियर सिडनी. तो आई एम गोइंग देयर और इंशाल्लाह वहाँ पर जो है वो थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे वुलनगोंग को भी, और उसके अलावा वो लेबनीज फूड का जो रेस्टोरेंट खुला है वहाँ से, क्योंकि मैं अब अकेला हूँ तो चलो इतनी दूर जा रहा हूँ तो कुछ खाना मैं साथ ले लूँगा और कुछ जो है वो वहाँ पर मैं खा के आऊँगा. तो उसको मैं चेकआउट करता हूँ और आप लोगों से शेयर करता हूँ. अभी मैं जो है ये A9 पे जा रहा हूँ ये, और ये जा रही है टुवर्ड्स वुलनगोंग. अभी यहाँ पर मैंने तकरीबन को ऑलमोस्ट 38 kilometers जो है वो इसके ऊपर सफ़र करना है. स्पीड लिमिट 80 है एज यूजुअल, इट्स नॉट जर्मनी. जर्मनी के ऑटोबान्स के ऊपर आप देर आर नो स्पीड लिमिट्स, यू कैन ड्राइव एज फास्ट एज यू कैन. स्पीड लिमिट का इशू जो है ना वो यूरोप के अंदर नहीं है ज़्यादा, जर्मनी में पर्टिकुलरली जो कि मुझे पता है कि उनके ऑटोबान्स के ऊपर आप गाड़ी बहुत तेज़ भी चला सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में दे पुट हैवी फाइंस एंड दे कैन इवन कैंसिल योर लाइसेंस. यू कैन नॉट ड्राइव इफ़ यू ब्रेक द लॉज, यू हैव टू मेनटेन एंड स्टे अंडर द लॉ एंड ज्यूरिस्डिक्शन. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और ये एक अपडेट थी मेरी तरफ से. वही एज यूजल, यहाँ से सिडनी से आप जब निकलते हैं तो इलाका बहुत ही अच्छा है, ये सारा कुछ ही अच्छा है. अभी हम नए नए आए हैं इसलिए नए नयों को तो सब कुछ अच्छा लगता है. और लो जी, मेरे ऊपर ट्रक सा चढ़ा है, पीछे एक बहुत बड़ा ट्रक आ गया. तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में ट्रक्स के पीछे ना आपको अक्सर लिखा हुआ आप पाएंगे कि ट्रक स्टॉप्स ऑस्ट्रेलिया स्टॉप्स. सो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट हियर. ये देखे ना ये कितना बड़ा डबल कैबिन ट्रक जा रहा है, डबल कैबिन है यहाँ पे. तो फुट्स होते हैं इसके, ये मेरे ख्याल में 66 foot है या 72 foot है, फुट हैं. तो ये सीन है. तो ठीक है, अभी मैं जा रहा हूँ. अभी मुझे तकरीबन कोई 1 hour लगेगा वुलनगोंग पहुँचने में, तो वुलनगोंग पहुँचते हैं. अच्छा ये ना, सॉरी अबाउट दी वीडियोस क्वालिटी, ये जो वीडियो की क्वालिटी है ना ये आज कोई इतनी अच्छी नहीं होने वाली है, क्योंकि ये अभी मैंने कैमरा टिल्ट नहीं किया हुआ. ये कैमरा जो है ना ये उसी तरह से है. तो ये देखे ना, ये अभी यहाँ पर यहाँ से सन गाइस. तो हम चलते चलते आ गए हैं यहाँ पर, एक जगह है बारगो तैमूर, और वो बारगो तैमूर के अगर आप एग्जिट लेते हैं तो वो वहाँ पर दो डैम्स हैं. एक डैम है नेपियन डैम, नेपियन रिवर डैम, और दूसरा एक और डैम है बारगो डैम. बारगो डैम, हाँ बारगो तैमूर डैम
इस तरह करके कुछ है। तो अभी मेरे पास टाइम नहीं है, अदरवाइज अभी वुलनगोंग जा रहा हूँ। अगर मेरे पास टाइम होता ज़रूर तो मैं बारको डैम जाता, यहाँ पर ये तैमूर वाला जो डैम है उसको देखता जाके क्या है, क्या हिसाब किताब है उधर किस तरह। अभी जो है ना मुझे थोड़ा सा वो एग्ज़िट लेना था एक ज़रा, तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी, दूसरा मैं म्यूज़िक वगैरह चल रहा था तो मैं वहाँ से एग्ज़िट नहीं कर पाया। इट्स माई फर्स्ट टाइम गोइंग टू वुलनगोंग, सो आई डोंट नो दी एग्ज़िट एक्चुअली, सो दैट इज़ वाई आई टुक एक्स्ट्रा 10-20 kilometers। तो इट कॉस्ट मी 20 kilometers, लाइक 10 kilometers वन साइड एंड 10 kilometers अदर साइड। नाउ आई एम गोइंग बैक टूवर्ड्स द एग्ज़िट ऑफ वुलनगोंग। तो वहाँ से एग्ज़िट करने के बाद जो है ऑलमोस्ट मुझे 37 kilometers और जाना है तो वुलनगोंग आ जाएगा। सुना है वुलनगोंग बहुत ज़्यादा प्यारी जगह है, तो ठीक है वहाँ पर जाते हैं देखते हैं उसको। एवॉन डैम है जो इधर बारगो वाली साइड पे है, बारगो तैमूर वाली साइड पे है, उसका नाम है एवॉन डैम। और दूसरा डैम है नेपियन रिवर डैम। हाँ ये दो डैम है। एवॉन डैम जाएंगे अगर शाम को जाते वक्त टाइम हुआ तो एवॉन डैम चले जाएंगे, अदरवाइज देखते हैं। सो ब्यूटीफुल, बहुत ज़बरदस्त है, ये सामने मंजर चेक करें आप। सामने एक लाइट हाउस है, और ये लाइट हाउस यूजुअली कहाँ पर होता है आपको पता ही है, ये कहाँ पर होता है, ये होता है समंदर पे। और हम आ गए हैं वुलनगोंग बीच पर, जो कि यहाँ पर वुलनगोंग का बीच है। साइड से नीचे जाके चेक करता हूँ मैं कि क्या है मंजर पे। एक समंदर पे कॉन्शियसली मेरा ये फर्स्ट टाइम है। यहाँ पर नीचे ये सारी रेत है, और वो जो ये चीज़ है, ये जो जगह बनी हुई है पत्थर, ये पता नहीं अब ये क्या है। वो सामने एक गोरा नहा के निकला आया समुंदर से, मैं भी नहा सकता हूँ वैसे अगर मैं कोशिश करूँ तो। आई डोंट नो पानी कितना ठंडा है यहाँ पर, लेकिन ये सूरत हाल है। ये सामने जो क्रीक सी बनी हुई है इसके ऊपर अगर खड़े हो जाएं जाके तो वो सामने का व्यू बहुत मज़े का नज़र आएगा। आई केम लिटल क्लोज़र, और इस साइड पे जाके देखते हैं कि आगे क्या है। वो सामने भी क्रॉस करके जाया जा सकता है, वो सामने एक जा रहा है, शिप जा रही है। So guys, water is really cold and I don't want to go inside anymore. So that's it. Yeah. शाम होती जा रही है। सही है guys, शाम हो रही है अब, और जो है ना वो सर्दी भी बढ़ रही है थोड़ी थोड़ी, और मैं वैसे भी थोड़ा सा गीला हो गया तो मुझे भी सर्दी लग रही है। और मैं जा रहा हूँ अब वापस वाली साइड पर, तो जाते हैं यहाँ से वो लेबनीज़ रेस्टोरेंट को जाके वहाँ पर देखते हैं, चेक करते हैं कि क्या है उसका सिचुएशन यहाँ पर, क्योंकि ये रीजनल इलाका है, यहाँ पर शॉप्स वगैरह जल्दी बंद हो जाती हैं और इतना कोई इनका टाइम ज़्यादा एक्सटेंडेड नहीं है यहाँ पर। जैसे उस वक्त लास्ट ट्रिप में कैनबरा में आलमोस्ट 8 बजे बंद हो जाता है कैनबरा, यहाँ पर भी 8 बजे, सिडनी जो है वो 12 बजे तक खुला रहता है, 8-9 बजे तो उधर भी कुछ इलाके बंद हो जाते हैं 9 बजे, लेकिन मोस्टली जो है वो जो है सिडनी के शॉप्स वगैरह या खाने के रेस्टोरेंट्स वो खुले रहते हैं, तो
की इतनी टेंशन नहीं होती वहाँ पर। यहाँ पर ये 8-9 बजे बंद हो जाते हैं, तो इसलिए अब मैं जा रहा हूँ रेस्टोरेंट लेबनीज रेस्टोरेंट जा कर चेक करते हैं, खाना शाना खाते हैं वहाँ पर, कोई लेबनीज लैम शैम और ये वो। बहुत ही आलीशान है ये वुलनगोन का, कितना सुकून है सिडनी के हवाले से देखा जाए तो। तो ये है रीजनल एरिया का फ़ायदा कि यहाँ पर बहुत सुकून है, बहुत शांति है सिडनी के लिहाज से अगर देखा जाए कंपैरेटिवली। तो बहुत हम रेस्टोरेंट पे और लेबनीज रेस्टोरेंट है ये और ज़बरदस्त, यहाँ पर थोड़ा सा ना बेहतरीन ही है। और हम आ गए हैं यहाँ पर वुलनगोन में रेस्टोरेंट पर खाना खाने के लिए लेबनीज, तो मेरा ऑर्डर बस आ रहा है, मेरे ऑर्डर पर आ रहा है, तो आता है जैसे ही तो फिर वो हम उसको खाते हैं। उसके बाद सिडनी के लिए निकलना है, 1.5 घंटा वापस सिडनी जाना है, तो बहुत बड़ा इशू है, चैलेंज है। तो देखता हूँ उसमें कॉफ़ी एक साथ ले लेते हैं यहाँ से कहीं से, कॉफ़ी के साथ सिडनी। कोई नया रेस्टोरेंट नहीं खुला हुआ, ये 2008 में खुला था पहले, और जो है इसको काफ़ी सारे अवार्ड वगैरह भी मिल चुके हैं इस लेबनीज रेस्टोरेंट को, और अच्छा एक इंट्री प्लेस है ये यहाँ पर वुलनगोन में, और बेहतरीन जो है वो खाने पीने की जगह बनी हुई है। तो ये सीन है, मेरा आ चुका है, तो इसमें काफ़ी कुछ है, चिकन लैम एंड लैम हम्मस स्प्रिंग रोल एंड दिस, इसके साथ ये है, साथ मैंने जिंजर बियर मंगवा लिए, तो ये खाते पीते हैं और फिर इसका रिव्यू देंगे आपको। मैंने एक ऑप्टिमम बाइट बना ली है, अंदर मैंने एक वो डाला है और इसमें हमने लैम डाला है, सॉस डाली है और सैलड डाला है, तब्दीली सैलड, इसकी ऑप्टिमम बाइट है, इसको ट्राई करते हैं। सैलेड इज टू गुड एंड इसमें हमने चिकन रख लिया है, थोड़ा